नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं और आपका रिक्रूटमेंट किसी प्रोसेस इंडस्ट्री में हो रहा है एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर और प्रोसेस इंजीनियर, तो आपका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, आपको किस तरह के काम करने पड़ते हैं। और ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी आप जो अपने ग्रेजुएशन कोर्स में जो पढ़ रहे हैं उसके कौन कौन से सब्जेक्ट एक्चुअली में रियल वर्क में काम में आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट काम में नहीं आता है, इसके बारे में बात करेंगे। किस तरह के सॉफ्टवेयर का नॉलेज अगर आपके पास है तो वो प्रॉफिटेबल होगा आपके कैरियर में, और किस तरह का सॉफ्टवेयर का नॉलेज उतना काम में नहीं आता, ये सब के बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, बट इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप केमिकल इंजीनियर हैं और आपका रिक्रूटमेंट किसी प्रोसेस इंडस्ट्री में है तो आपको दो तरह का जॉब प्रोफाइल मिलता है, एक प्रोडक्शन इंजीनियर की तरह और या प्रोसेस इंजीनियर की तरह। तो अभी पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आपका रिक्रूटमेंट एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर हुआ है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में पहले रिक्रूटमेंट हो जाता है, बाद में डिसाइड होता है कि आपका डिपार्टमेंट क्या होता है। तो एनीवे मैं बात कर रहा हूँ कि एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर आपका क्या जॉब होता है। ठीक है, देखिए अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियर की तरह आपका जॉब असाइन हुआ है तो वो भी डिपेंड करता है कि किस इंडस्ट्री में कहाँ पे आपका पोस्टिंग है, उसके बेसिस पे आपका ये नेचर ऑफ वर्क अलग होता है। जैसे किसी किसी कंपनी में, किसी किसी रिफाइनरीज में जब आप ज्वाइन करते हो तो एज ए पैनल इंचार्ज ज्वाइन करते हो। मतलब क्या होता है कि जो भी प्लांट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम होता है, डीसी सिस्टम, जहाँ कंप्यूटर पे पूरे प्लांट के सारे पैरामीटर जो है वो दिखते रहते हैं और कंट्रोल भी किया जा सकता है, कंट्रोल वाल्व्स का भी ओपनिंग वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो एज ए जब ज्वाइन करते हैं तो इनिशियल दो तीन साल तो एज ए पैनल इंचार्ज ही रहते हैं, जहाँ पे आपका मेन रोल होता है प्लांट्स के ऑपरेटिंग पैरामीटर्स को कंट्रोल करना। तो कोई भी पैरामीटर अगर गड़बड़ हो रहा है तो वो सब दिख जाएगा, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, सब कुछ दिखता रहता है, और उसको चेंज करने के लिए कंट्रोल वाल्व को भी आप ओपनिंग चेंज करके आप पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो आपका मेन वर्क होता है। इसके लिए भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से हम कोई पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही पैरामीटर को कई तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट और आपका प्लांट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग के लिए भी। एनीवे कई जगह होता है कि जब आप ज्वाइन करते हो तो एज ए शिफ्ट इंचार्ज ज्वाइन करते हो, जब शिफ्ट इंचार्ज की तरह ज्वाइन करते हो तो बेसिकली आपके अंडर में एक पैनल ऑपरेटर होता है, वैसे ही फील्ड में काम करने वाले लोग भी होते हैं, फील्ड ऑपरेटर भी। तो आपका जो रोल होता है वो ये दोनों को कोऑर्डिनेट करने का रोल हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं बात करने वाला हूँ, तो एज ए अगर आप शिफ्ट इंचार्ज हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल कैसा होगा उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो इसके पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपका जो रोल असाइन हुआ है एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर तो आपको शिफ्ट में जॉब करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको जनरल शिफ्ट में नहीं होता है, शिफ्ट मतलब कि आपको किसी दिन मॉर्निंग में ड्यूटी करना पड़ेगा, किसी दिन इवनिंग में ड्यूटी करना पड़ेगा, किसी दिन नाइट में ड्यूटी करना पड़ेगा। अब मॉर्निंग में भी जनरली 6 से 2, इवनिंग में 2 से 10, नाइट में 10 से 6 होता है, ये भी चेंज होते रहता है। जैसे किसी दिन 2 दिन मॉर्निंग शिफ्ट, 2 दिन इवनिंग शिफ्ट, 2 दिन नाइट शिफ्ट हफ्ते में, ये डिपेंड करता है अलग अलग रिफाइनरी में, अलग अलग प्लांट में ये जो टाइम होता है वो अलग होता है। किसी यहाँ 8 बजे से मॉर्निंग शिफ्ट शुरू होता है, एनीवे बट शिफ्ट में आपको जॉब करना पड़ेगा, रात में जगना पड़ेगा, लाइफ साइकिल जो है, टाइम साइकिल जो है वो चेंज होता रहता है, इसकी वजह से आपका हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, ये सब प्रॉब्लम होता है। रात में जगने का आदत जिसको नहीं है उसको प्रॉब्लम होता है। एनीवे तो ये है, अगर आप प्रोसेस इंजीनियर की तरह आपको जॉब असाइन हुआ है तो आपको जनरल शिफ्ट में ही मोस्टली काम करना पड़ता है, कभी कभी आपको नाइट शिफ्ट में ड्यूटी मिलता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियर हो और आपका ड्यूटी सपोज कीजिए मॉर्निंग ड्यूटी लगा है तो उसमें किस तरह का काम करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें भी दो तरह का काम होता है, एक तो अगर आप का जो प्लांट है वो नॉर्मल है तो नॉर्मल प्लांट में जो जॉब प्रोफाइल है वो अलग होता है, और अगर प्लांट शट डाउन हो गया है तो उस समय जो जॉब प्रोफाइल है वो अलग होता है। तो अगर मान लीजिए आपका प्लांट नॉर्मल है और मैं मॉर्निंग शिफ्ट में एज ए शिफ्ट इंचार्ज जा रहा हूँ, तो पहले तो जैसे ही आप मॉर्निंग शिफ्ट में एज ए शिफ्ट इंचार्ज आप प्लांट में जाते हो ना, तो आपका जो प्रीवियस शिफ्ट का जो शिफ्ट इंचार्ज है वो प्लांट के बारे में ब्रीफली बता देता है कि प्लांट में क्या प्रॉब्लम है जिसको रेक्टिफाई करना है, या फिर कुछ ऑपरेशनल चेंजेस जो इवनिंग नाइट शिफ्ट में हुआ है उसके बारे में आपको वर्बली बता देता है। फिर जब आप शिफ्ट में जब जाते हो अपने कंट्रोल रूम में तो आप क्या करते हो, लॉग बुक पढ़ना पड़ता है। लॉग बुक में जो
बेसिकली जो भी प्रीवियस शिफ्ट में जो भी एक्शन लिए गए होते हैं उसके बारे में लॉगिंग किया रहता है, लिखा रहता है कि क्या क्या एक्शन लिया गया है, क्या क्या चेंजेज हुए हैं, किस किस क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में डिटेल में लिखा रहता है, तो उसको पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन बुक होता है जो मैनेजर लोग लिख के गए होते हैं कि कोई कोई क्रिटिकल पैरामीटर के बारे में एक इंस्ट्रक्शन रहता है कि इसको यहीं पर कंट्रोल करना है, यहीं मेंटेन करना है, तो उसका एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। ये भी मिल जाता है कि कोई इक्विपमेंट को अगर हमको मेंटेनेंस को हैंड ओवर करना है, ये सब के बारे में एक आइडिया मिल जाता है। फिर हम लोग पैनल के बारे में पैनल जाते हैं, पैनल देखते हैं कि सारे पैरामीटर ठीक है कि नहीं, सारे जो क्रिटिकल पैरामीटर है, ऑपरेटिंग पैरामीटर्स नॉर्मल है कि नहीं, कोई पैरामीटर में प्रॉब्लम है तो वो देखते हैं कि क्यों प्रॉब्लम है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो उसके बारे में हम लोग नोट करके रख लेते हैं। फिर उसके बाद एक बार फील्ड करा लेना पड़ता है ताकि देखना पड़ता है कि सारे फील्ड में जो भी चीज़ें हैं वो नॉर्मल है कि नहीं। ये सब करने के में ही 6 से 8 निकल जाता है, 2 घंटे तो निकल ही जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों को बेसिकली जो एज ए शिफ्ट इंचार्ज जो जॉब होता है वो मेंटेनेंस के साथ कोऑर्डिनेट करने का होता है। तो अभी तक जो भी प्लांट का एक्सेस प्लांट का जो भी प्रॉब्लम है जो आइडेंटिफाई हुए उसको हम लोग को करेक्ट करने के लिए मेंटेनेंस को नोटिफाई करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कुछ पंप में सील लीक है, किसी पंप का बियरिंग टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, या कोई कंट्रोल वाल्व में प्रॉब्लम है, कोई टेम्परेचर ठीक नहीं कर काम कर रहा है, कोई फ्लो इंडिकेटर ख़राब हो गया, कोई वाल्व का ग्लैंड लीक कर रहा है, जो भी प्लांट में प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग नोटिफाई कर देते हैं। और इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम होता है, ऐसा नहीं कि वर्बली सबको बोलना पड़ेगा मेंटेनेंस को, हम लोग एक ऑनलाइन सिस्टम बना रहता है उसमें हम लोग डाल देते हैं और रिलेवेंट मेंटेनेंस ग्रुप को, जैसे कि पंप में प्रॉब्लम है तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट को, मोटर में प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को, लाइक वाइज। अब जो मेंटेनेंस इंजीनियर जो 8 बजे लोग जो आते हैं वो लोग भी उस ऑनलाइन सिस्टम को ओपन करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये नोटिफिकेशन है और उसके बेसिस पे क्या क्या जॉब वो उस दिन टेकअप कर सकते हैं, वो लोग वो जॉब हम लोग को बैक कर देते हैं कि ये जॉब हम आज ले रहे हैं। फिर हम लोग को उसके बाद उसके बेसिस पे हम लोग को परमिट इशू करना पड़ता है। परमिट में बेसिकली हम लोग को सेफ्टी का ध्यान देना पड़ता है कि ये जो जॉब है इस जॉब को करने में क्या क्या सेफ्टी रिस्क है, तो उसके बेसिस पे बहुत सारे उसमें चेकलिस्ट होता है, उस चेकलिस्ट को चेक मतलब बताना पड़ता है कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा जो जॉब को सेफली करना है। जैसे मान लीजिए किसी एलपीजी पंप में प्रॉब्लम है तो उसमें हम लोग को ब्रास टूल की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बारे में लिखना पड़ता है। कोई कहीं पे हॉट जॉब हो रहा है तो उसके आसपास के जो भी एरिया है उसको बैरिकेड करना पड़ता है, घेरना पड़ता है, कोई ऑयल वहाँ पे स्पिलेज नहीं हो, किसी लाइन में अगर हॉट जॉब है तो उस लाइन की फ्लशिंग है, ये सब इंश्योर करना पड़ता है। इसलिए एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर ही उसको परमिट को इशू कर सकता है जो कि प्लांट के बारे में अच्छे से जानता है कि किस जगह पर कोई जॉब करने में क्या सेफ्टी रिस्क है, तो वो करना पड़ता है। उसके बेसिस पे जब ऐसे करने से जो भी जॉब है उसका परमिट इशू करते करते 8 से 10 तो बच जाते हैं। अब उसके बाद उसके बेसिस पे जो भी जॉब है मेंटेनेंस के जो वर्कर हैं, जो टेक्नीशियन हैं और जो कैजुअल वर्कर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं, वो लोग काम करने जाते हैं। तो 10 बजे के बाद एज ए शिफ्ट इंचार्ज भी आपको भी फील्ड में जाना पड़ता है ताकि देखने के लिए कि जो भी जॉब है वो सेफली हो रहा है कि नहीं, या फिर कोई आपका भी कोई इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क है जिसमें एज ए शिफ्ट इंचार्ज आपको ज़रूरत है प्लांट में कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑपरेटर के साथ, तो उसके लिए भी जाना पड़ता है। तो फील्ड में पूरा राउंड लेते हुए सारे जॉब को सेफली कराने में ये 10 से 12, 12.5 तो बच जाते हैं। फिर जब आप वापस कंट्रोल रूम में आते हो तो फिर आप लैब डेटा चेक करते हो कि जो भी मॉर्निंग शिफ्ट का जो लैब सैंपल गया था वो लैब सैंपल का रिजल्ट सही है कि नहीं, अगर लैब सैंपल का रिजल्ट सही नहीं है तो उसके लिए क्या एक्शन लेना पड़ेगा ताकि पैरामीटर हेल्दी हो जाए, तो वो करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप थोड़ा लंच वंच करते हो और अल्टीमेटली आपको फिर से वापस पैनल पर जाके सारा रीडिंग लेना पड़ता है, जो भी आपके जॉब शिफ्ट में जो जॉब हुए उसको लॉग करना पड़ता है, लॉग बुक में लिखना पड़ता है। तो इससे करते करते आपका ये पूरा शिफ्ट निकल जाता है। ये तो तब हुआ जब प्लांट आपका नॉर्मल चल रहा है। अब इवनिंग और नाइट शिफ्ट में क्या होता है कि जब नाइट शिफ्ट में मेंटेनेंस टीम नहीं रहता है तो इतना जॉब इस तरह का नहीं रहता है, उसमें आपको काफ़ी टाइम मिलता है जहाँ पे आप प्लांट का जो है डिटेल स्टडी कर सकते हैं, जो डिजाइन पैरामीटर है उसको देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किसी कोई प्लांट में कोई प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा है तो उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास काफ़ी टाइम होता है। आप जो भी वेंडर होते हैं जो कि इक्विपमेंट को सप्लाई किए रहते हैं उनका मैनुअल देख सकते हैं, डिटेल एनालिसिस करने का आपको टाइम रहता है इवनिंग और नाइट शिफ्ट में। तो ये तो होता है जब आपका प्लांट नॉर्मल चल रहा है। जब आपके प्लांट में शटडाउन होता है ना तो आपका जॉब प्रोफाइल पूरा चेंज हो जाता है अगर आप प्रोडक्शन इंजीनियर हैं। तो जब प्लांट को शटडाउन होता है ना तो आपका मेन पर्पस जो है ना वो ये हो जाता है कि आप प्लांट को सेफली हैंडओवर करते हैं मेंटेनेंस को। और उसका रीज़न क्या होता है कि प्रोसेस इंडस्ट्री में जो भी फ्लूइड इक्विपमेंट्स में फ्लो होता है यानी लाइन्स में
पंप्स में, कॉलम्स में, एक्सचेंजर्स में, वो काफ़ी हजारस होता है और फ्लेमेबल होता है, इसलिए उनको किसी भी मेंटेनेंस वर्क के लिए हैंडओवर करने के पहले उसको एकदम क्लियर करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जो भी कॉलम है उसमें मान लीजिए जो तेल है वो तो फ्लेमेबल है, अगर उस कॉलम को अगर मेंटेनेंस को हैंडओवर करना है तो ताकि वहाँ पे कोई हॉट जॉब हो, तो पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि बिल्कुल तेल नहीं रहे, कोई H2S जैसे जो गैस है वो काफ़ी लीथल है, इवन 5 ppm ऑफ H2S आपके जान लेने के लिए काफ़ी, अगर आप कंटिन्यूसली उसके संपर्क में रह गए, तो ये सब चीज़ों को क्लियर करना है, ये आपका मेन रोल है। और ये प्रोडक्शन इंजीनियर ही कर सकता है क्योंकि उसी को पता है कि प्लांट्स की कौन सी लाइन कहाँ गई, तो सभी लाइन को फ्लश करना इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। उसके बाद जब आप एक बार हैंडओवर कर देते हैं मेंटेनेंस को, तो उसके बाद आपका मेन जो जॉब होता है वो ये रहना पड़ता है कि फॉलोअप टाइप का जॉब हो जाता है कि आपका जो रनिंग प्लांट में जो जो प्रॉब्लम थे, जो आपने सही नहीं करा सकते थे, जिसके लिए शटडाउन की ज़रूरत थी, जैसे मान लीजिए कोई वाल्व को ही चेंज कराना है, वो तो रनिंग प्लांट में उस वाल्व को खोल नहीं सकते क्योंकि वो लाइन कंटिन्यूसली चार्ज है, तो ऐसे सारे काम शटडाउन में ही होते हैं, तो उसको फॉलोअप करना पड़ता है कि वो सारे जॉब हो रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्पेक्शन रिकमेंडेशन होते हैं, किसी लाइन को कोरोड हो गया उसको काट के चेंज करना है, ये सभी फॉलोअप करना पड़ता है। कोई प्रोसेस रिकमेंडेशन होता है जो कि प्रोसेस मॉडिफिकेशन होता है जिसमें कि चेंजेज होते हैं और उसके लिए भी शटडाउन की ज़रूरत है, वो सब भी शटडाउन में ही होते हैं। इसके अलावा कुछ रिवैम्प होता है जैसे साइज बढ़ाना है, थ्रूपुट बढ़ाना है, उसके लिए बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम जो रनिंग यूनिट में नहीं किए जा सकते वो सभी शटडाउन में होते हैं और उनको फॉलोअप करना पड़ता है। तो ये तो हो गया एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर जॉब। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह तो पूरा बोरिंग जॉब है, इसका इस काइंड ऑफ फॉलोअप जॉब है, बट या इट्स ट्रू कि मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलोअप ही जॉब है। और इस तरह से अगर आप कंटिन्यूसली इसे सिर्फ फॉलोअप ही कर रहे हैं तो बोरिंग भी हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि रनिंग प्लांट को ऑपरेट करना है ना, उसमें भी एक मज़ा है। मज़ा इसलिए है क्योंकि प्लांट्स में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और जब आप उसको इमरजेंसी हैंडलिंग करते हैं या फिर ट्रबल शूट करते हैं ना, तो उसमें आपका रियल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग है वो ज़रूर काम में आता है। और जब रियल प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं तो उसमें एक मज़ा मिलता है। तो इसलिए पूरा का पूरा बोरिंग भी नहीं है, आप नॉर्मल टाइम में अगर आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते रहें और किसी इमरजेंसी को अच्छे से हैंडल करें, इमरजेंसी हैंडलिंग और ट्रबल शूटिंग दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट जॉब होता है प्रोडक्शन इंजीनियर का। इमरजेंसी हैंडलिंग में जैसे कि सडन आपको कोई प्लांट में प्रॉब्लम आ गया है और जिसमें आपको बस कुछ ही समय का आपको टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पर अगर आप सही से एक्शन लेंगे तो प्लांट बचेगा, नहीं तो प्लांट शटडाउन हो जाएगा, क्योंकि प्लांट में एक सेफ्टी इंटरलॉक्स होता है। सेफ्टी इंटरलॉक्स ये है कि प्लांट में कोई भी पैरामीटर एब्रप्टली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो प्लांट में शटडाउन वाल्व्स होते हैं जो कि फ्लो को एब्रप्टली बंद करके प्लांट को बंद कर देते हैं ताकि कुछ अनहोनी ना हो। तो जब भी इमरजेंसी आता है तो अगर आप सही टाइम पे एक्शन ले करके प्लांट के पैरामीटर को सही कर दिए तो प्लांट का शटडाउन होने से बच जाता है और बहुत प्रॉफिट की बात होती है। अगर आप नहीं किए तो प्लांट जब एक बार बंद हो जाता है तो उसको चालू करने में टाइम लगता है, 1-2 दिन 3 दिन डिपेंडिंग ऑन प्लांट लग जाता है और वो पूरा लॉसेज होता है। तो इसलिए इमरजेंसी हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वैसे प्रोडक्शन इंजीनियर का, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार पार्ट भी होता है, वहाँ पर रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट की टेस्ट होती है। ट्रबल शूटिंग एक दूसरे टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जिसमें प्लांट तो चलते रहता है, प्लांट में एक प्रॉब्लम है वो काफ़ी समय से है और उसकी वजह से आपका प्रॉफिटेबिलिटी में लॉस हो रहा है, प्लांट फिर भी चल रहे हैं। अब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना आपको टाइम मिलता है जहाँ पे आप इवन स्टडी करके भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पंप में मैकेनिकल सील लीक हो रहा है, वो बार बार सील लीक हो रहा है, तो जनरली हर एक पंप के लिए एक स्टैंड बाई पंप भी होता है, सील लीक हुआ दूसरा पंप चला दिए, प्लांट तो चलते रहा बट ये प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे लॉसेज हो रहे हैं। अगर आप इसको ठीक से स्टडी करके कि भाई किस कारण से लीक हो रहा है, मैकेनिकल कारण भी हो सकता है या प्रोडक्शन की तरफ से भी कमी हो सकता है कि कैविटेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस तरह के प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर दिए, इस तरह ये एक नॉर्मल एग्जांपल दिया हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिनको सॉल्व करने से, ट्रबल शूट करने से आपको बहुत मज़ा आ सकता है। तो इस तरह से ये जॉब पूरा बोरिंग नहीं है, इसमें ट्रबल शूटिंग और इमरजेंसी हैंडलिंग बहुत ही मज़ेदार पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि किस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग है जो हम लोग इंजीनियरिंग में डेवलप करते हैं वो रियल में प्लांट में काम आता है। तो देखिए
फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो प्लांट में बहुत काम आता है, बहुत मतलब बहुत। इवन जो प्लांट में जो आप जो क्लासेज में जो पढ़ते हैं पंप्स और कंप्रेसर के बारे में, उससे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है धीरे धीरे। माइनर लॉसेज, बर्नौली थ्योरम तो एवरीवेयर आपको बहुत यूज में आता है। और आप जब प्लांट में काम करते हैं तभी मतलब ये जो प्रेशर का अंडरस्टैंडिंग है ना, प्रेशर का अंडरस्टैंडिंग तो इतना अच्छे से डेवलप होगा कि जो आप नॉर्मल पढ़ाई के दौरान आपको उतना डेवलप ही नहीं हुआ रहता है। मुझे तो प्रेशर का जो अंडरस्टैंडिंग है वो प्लांट में आकर ही अच्छे से डेवलप हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हीट ट्रांसफ़र का भी अच्छा यूज में आता है, मास ट्रांसफ़र भी यूज में आता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, अब अगर आपका एज ए डिज़ाइन इंजीनियर अगर आपका जॉब नहीं लगा है वो भी लगता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस जगह पे आपका पोस्टिंग है। अदरवाइज उतना ज़्यादा तो नहीं, बट वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का ज़रूरत बहुत होता है। ठीक है, इसके अलावा बेसिक डिस्टिलेशन का भी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत आता है। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग उतना काम में नहीं आता है, क्योंकि जनरली जो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में जो CSTR और PFR के बारे में पढ़ते हैं वो जनरली रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल्स में बहुत कम यूज़ होते हैं, तो उतना काम में नहीं आता है। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम का जो रिलेशन है वो ज़रूर काम में आता है, बट रिएक्शन इंजीनियरिंग उतना नहीं। प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम लोग पढ़े रहते हैं कॉलेजेस में, वो उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो इम्पॉर्टेंट है। बट कंट्रोलर ट्यूनिंग के लिए कंट्रोलर ट्यून भी करते हैं जो PID पैरामीटर चेंज करके, ताकि कंट्रोलर अच्छा काम करे। बट मोस्टली मैंने देखा है कि इंडस्ट्री में लोग हीट ट्रायल मेथड से ही कंट्रोलर ट्यून करते हैं, तो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं भी हो तो भी वो ट्रायल एंड एरर करते करते उनको आइडिया लग जाता है कि PID वैल्यू में P बढ़ाने से क्या होगा, I बढ़ाने से क्या होगा, इट्स काइंड ऑफ थिंग। तो बहुत उतना यूज में नहीं लेते हैं। कंट्रोल वाल का अंडरस्टैंडिंग का जरूर ज़रूरत आता है, वो भी लोग बाय एक्सपीरियंस ही काम करते हैं। अगर आप थ्योरेटिकली जाएं तो थोड़ा और अच्छे से यूज में आता है। ठीक है, बाकी तो और ये ट्रांसपोर्ट फेनोमेना तो उतना काम में नहीं आएगा, इक्वेशंस का उतना ज़रूरत नहीं आती है, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसी की ज़रूरत आती है। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक के अलावा भी आपको बहुत सारे और भी डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। जैसे कि मैं जब यहाँ पे इंटर किया था ICL में, तो मुझे मैकेनिकल सील के बारे में बहुत समझना पड़ा था, उसको समझ कर मैंने 2 वीडियो भी डाले थे। ठीक है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का पम्प्स का इंटरनल्स बहुत समझना पड़ता है। ठीक है, सेफ्टी वाल्व्स को समझना पड़ता है जो कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का भी समझना पड़ता है कि डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स जो यूज होते हैं, किस टाइप के स्टील हैं, CS स्टील क्या होता है, लॉय स्टील क्या होता है, स्टेनलेस स्टील क्या होता है, उसके कितने टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप का कोरोजन क्या होता है, इसको लेकर भी आप देखिएगा, मैं 4-5 वीडियो डाला था, अपलोड किया था। इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट का भी बहुत कुछ समझना पड़ता है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करता है वो तो हम लोग एक थोड़ा पढ़ते हैं, वो तो सारे काम में आते ही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा, हाइड्रोलिक सर्किट कैसे काम करता है। ठीक है, आपने देखा होगा पायलट ऑपरेटर चेक वाल्व का मैंने एक वीडियो डाला था। तो बहुत सारे ब्रांचेज का आपको एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना पड़ता है, इंटरलॉक क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग को समझना पड़ता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी बहुत कुछ समझना पड़ता है, मुझे अभी उतना नहीं आता है। तो आपको रिफाइनरी में आकर के जो पहले जो पढ़े हैं वो तो कुछ यूज में आएगा ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे नया चीज़ आपको नॉलेज गेन करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करें कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर जो काम में आता है। तो देखिए, जब रिफाइनरी में जब आप काम करते हो ना, तो आपको ह्यूज डेटा को हैंडल करना पड़ता है। ह्यूज मतलब ह्यूज, इतनी डेटा जो आपको याद नहीं रह सकते हैं, जिसको आपको हैंडल करना पड़ता है। कैलकुलेशन में भी बहुत बड़े बड़े डेटा को कैलकुलेट करना है, इसलिए अगर आपका एक्सेल पे अगर आपका पिकअप बहुत अच्छा है ना, तो वो बहुत काम में आता है। अब जनरली एक्सेल तो बहुत ही नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, सभी लोग यूज करते हैं, बट एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको एक्सेल करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसको जितना आप एक्सेल करेंगे उतना फास्ट होगा और उतना काम बहुत ईजिली हो सकता है। तो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप किसी भी जॉब में जाए वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप इसमें जितना पारंगत हो पाएंगे उतना अच्छा रहता है। दूसरा ये है कि प्रो टू का इस्तेमाल करते हैं लोग यहाँ सिमुलेशन में, जो प्रोसेस इंजीनियर होते हैं। उसके अलावा SPEN का भी यूज़ होता है, बाकी तो कोई सॉफ्टवेयर इधर यूज़ करते हुए मैं किसी को देखा नहीं।
अब एज ए अगर आप प्रोसेस इंजीनियर जैसे रिक्रूट हो रहे हैं ना, तो उन लोगों का जो जॉब होता है, उन लोगों का जॉब थोड़ा अलग होता है। उनका प्लांट जो कंट्रोलिंग का जॉब ज़्यादा नहीं रहता है, एक्चुअली वो लोग भी प्लांट मॉनिटर करते हैं, कुछ पैरामीटर क्रिटिकल जो पैरामीटर है उसको मॉनिटर करते हैं। बट बेसिकली वो लोग का जो जॉब होता है मोस्टली कोऑर्डिनेट करते हैं वेंडर के साथ। जैसे कैटलिस्ट अगर आपका ख़त्म हो रहा है तो कैटलिस्ट परचेज करेंगे, कैटलिस्ट का क्वालिटी सही है कि नहीं वो देखेंगे, या फिर कोई इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है तो वो वेंडर से बात करेंगे, कोई प्रोसेस मॉडिफिकेशन हो रहा है तो उसका स्टडी करते हैं। तो इस तरह का जॉब करते हैं। उन लोग का जॉब ऑन पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट रियलिटी में उन लोग को भी बहुत सारे वेंडर से बात करने में ये सब में बहुत टाइम जाता है। तो इस तरह का बात है, किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में पूरा का पूरा टेक्निकल काम नहीं होगा, फॉलोअप तो ज़रूर रहेगा। इसीलिए जिसको फॉलोअप का एक आर्ट है, जिसको अच्छा आता है, उसको तो ज़रूर एक एडिशनल एडवांटेज तो रहता ही है। और बाकी आपको टेक्निकल नॉलेज का भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रिफाइनरी में सच में प्रॉब्लम आती है और सच में टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग का यूज आता है, काम में आता है। तो मेरे ख्याल से एक बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा जब आप कॉलेज में हैं तो किस तरह का जॉब प्रोफाइल रहेगा जब आप एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर या प्रोसेस इंजीनियर आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।